शांति। आज की तारीख है 7/4/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंध है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसीलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हरेक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं, बाकी हरेक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े और माया पर विजयी बनना पड़े। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य धारणा के दो बिंदु। नंबर एक, कोई भी उल्टी चाल चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। नंबर दो, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी क्या करना है, समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, क्या क्यों ऐसे और वैसे, ये सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा कहते हैं कि जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के भी संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात के संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएगी। ये ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्नचित आत्मा के संकल्पों में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म को करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।